गंडक नदी के जलस्तर में आए उफान के बाद तटीय इलाकों में पानी बढ़ना शुरू हो गया है। सारण जिले के पानापुर और तरैया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं, जिसके चलते पानापुर प्रखंड के रामपुर रुद्र गांव से तरैया के सगुनी गांव में आई बारात को गांव में घुसे गंडक नदी के पानी के कारण रात में ही लौटना पड़ा। वहीं दूल्हा और दुल्हन को नाव पर सवार कर विदा किया गया। तरैया के सगुनी, श्यामपुर, रजवाड़ा, अरदेवा, माधोपुर, हसपुर, बनिया, चंचलिया, राजधानी, आकुचन, भटगाई सहित दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। यहाँ हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इस पिछले साल बाढ़ की त्रासदी बहुत बड़ी थी। अब इस बार देखिए क्या हो रहा है, फिर बाढ़ आ गया है। इससे लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? इससे बहुत लोग तबाही में हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं। क्या और भी भयानक हो सकता है? ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की खोज में अपना घर बार छोड़कर निकल गए हैं। सारण तटबंध से सोनाकपुर घाट जाने वाली सड़क चंचलिया दियर में कट गई है। एक बैग पानी आ गया है, रात में नहीं था, पूरा उधर कम था, एक बैग सुबह में पूरा पानी आ गया है। सब लोग परेशान है, गाय भैंस हो गया, सामान उमान सब डूब गया है, सब लोग परेशान है लोग। अभी तक कोई नहीं देखने के लिए आया है। कितना? 60-70 घर है इधर, 60-70 घर पूरा डूब चुका है, देखने के लिए नहीं आया है। पानी की? सब पानी तेजी से बढ़ रही है, अभी थोड़ा कम था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ बहुत तेजी पानी बढ़ गया, ये सड़क टूट गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इस इलाके में गंडक नदी ने कहर बरपाया था और इस बार भी लोग भयभीत नजर आ रहे हैं।